हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉम्फिट के बारे में, जहाँ से रिक्रूटमेंट आई है। तो सब चीज़ फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो मैं बात करने वाला हूँ स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन के बारे में, जहाँ से वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैकेंसी किन किन पदों पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, जूनियर टेक्नीशियन फिटर, और ये आप नीचे तक देख सकते हैं कि आपका जो 1 से 5 तक वैकेंसी दी हुई है, जूनियर बॉयलर ऑपरेटर, जूनियर टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर, और उनकी अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन का 8 है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जूनियर टेक्नीशियन की 8 वैकेंसी हैं, और फिटर की 6 हैं, वेल्डर की 1 है, रेफ्रिजरेटर की 5 है, जूनियर बॉयलर ऑपरेटर की 39 है। 19 है टोटल, प्लस करोगे तो 39 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो पे स्केल आप देख सकते हैं कि पे स्केल आपका 20,000 तक है, 20,200, ये सबके लिए सेम है। और बाकी आपका जो एलिजिबिलिटी की मैं बात करता हूँ, तो एलिजिबिलिटी में आपका गाइस मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपका मिनिमम अगर आपने 10th पास है और उसके बाद से आपने ITI कंप्लीट कर रखा है, प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस, ये 3 ईयर्स एक्सपीरियंस ये इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद इसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग पोस्ट में सारे में एक्सपीरियंस मांग रखा है, सब में 3 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब में 3 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, 3 ईयर जो आपके पोस्ट हैं उसके हिसाब से आपको 3 ईयर एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास मैट्रिकुलेशन के बाद ITI कम्प्लीट होना चाहिए आपका, या फिर आपने 12th के बाद भी करा है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो आपका मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th के बाद अगर आपने ITI कर रखा है इंट्रेंस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए गाइस। फिर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 6/11 से स्टार्ट है, वो 6/11 से स्टार्ट है, और आपका लास्ट डेट है 6/12, यानी कि 6 दिसंबर तक ये चलेगा। और एज की मैं बात करूँ तो आपका जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 18 से 37 है, बाकी ST SC के लिए 42 तक है गाइस, 18 to 42। फिर आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है www.sudha.coop पे। फिर आपको यहाँ पे स्टेप वाइज दिया हुआ है कि आप कैसे अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आपको ये देखिए मेथड दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको लॉग ऑन करना है कॉम्फिट पे, इस वेबसाइट पे, देन आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है, और उसके बाद से रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर आपका जो है कि उस पर रजिस्टर करना है। और पांचवी चीज़ दी हुई है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है उस पर जाके, एंड देन आपके जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो आपको स्टेप वाइज डालने हैं, और आपका चटवा, फिर आपको आपका जो रिकॉर्ड है, आपका जो एप्लीकेशन सबमिट होगा उसको आपको फाइनली प्रिंट कर लेना है। और यहाँ मैं फ़ीस की बात करूँगा, तो यहाँ पर आप फीस देख सकते हैं कि जो जनरल है उनके लिए 700 है, और बाकी ऐसे ST SC के लिए 350 रुपये है। और उसके बाद से आ जाते हैं गाइस कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि रिटन प्लस इंटरव्यू है, टोटल मिला के 100 मार्क्स हैं यहाँ पे, रिटन प्लस इंटरव्यू टोटल मिला के 100 मार्क्स हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिनको भी ये वीडियो हेल्प कर सकता है उनको शेयर ज़रूर से करें। वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।